नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर, जो एनसीपी के नेता नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे थे, उनके परिवार पर लगातार टिप्पणियां की जा रही थी, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश भी नवाब मलिक कर चुके हैं, लेकिन अब नवाब मलिक पर रोक लग चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में नवाब मलिक को निर्देश जारी किया है कि 4 महीने तक अब समीर वानखेड़े या उनके परिवार पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो नवाब मलिक पर रोक लग चुकी है, लेकिन अभी भी नवाब मलिक इस कोशिश में हैं कि किस तरीके से एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेरा जाए, किस तरीके से उनके परिवार को बदनाम किया जाए। और इसी कड़ी में अब आपको बता दें, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र आबकारी विभाग की थाने इकाई ने दरअसल समीर वानखेड़े को एक नोटिस जारी किया है, और नोटिस में उनसे ये पूछा गया है कि 1997 में लाइसेंस के लिए उन्होंने जो आवेदन किया था उसमें गलत जानकारियां उनकी तरफ से दी गई थी, और उसी पूरे मामले में ये कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला दरअसल एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने ही उजागर किया था। नवाब मलिक की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा था कि समीर वानखेड़े ने अपने कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की है। इतना ही नहीं, जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें भी गड़बड़ी की गई है। दरअसल नवाब मलिक की ओर से ये दावा किया गया कि समीर वानखेड़े के पिता जब महाराष्ट्र के आबकारी विभाग में काम करते थे, तो उस वक्त 1997 से 98 के बीच दरअसल फर्जी लाइसेंस बनवाया गया समीर वानखेड़े के नाम पर, और उस वक्त समीर वानखेड़े की जो उम्र थी वो महज 17 साल 10 महीने और 19 दिन थी। ये दावा नवाब मलिक की ओर से किया गया, और ये की गई कि उनके पिता ने इस तरीके से इस बार का लाइसेंस जो है वो प्राप्त किया था। दावा ये भी उनकी तरफ से किया गया कि 1997 से इस परमिट का नवीनीकरण किया जा रहा है, और अब 2022 तक 3,17,650 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो ये दावा नवाब मलिक की ओर से ही किया गया था। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र आबकारी विभाग की जो थाने इकाई है उसने इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, यानी किस तरीके से ये पूरी मिलीभगत करके समीर वानखेड़े को फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की थी और ये निर्देश दिया था कि नवाब मलिक अब किसी भी तरीके से समीर वानखेड़े या उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ट्वीट उनके बारे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक अलग ही रास्ता अब चुना गया है, महाराष्ट्र का आबकारी विभाग अब कहीं ना कहीं उसके जरिए समीर वानखेड़े को परेशान करने की ये कोशिश जो है वो महा विकास अघाड़ी सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जब नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया, कोर्ट की अवमानना उनकी तरफ से की गई, तो इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब मांगा था, और नवाब मलिक ने एक हलफनामा बॉम्बे हाईकोर्ट में जारी करते हुए माफी भी मांगी थी, और ये कहा था कि वो आगे ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे, यानी समीर वानखेड़े और उनके परिवार को लेकर वो ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अब जिस तरीके से उन्हें फंसाने की ये कोशिश की जा रही है, जाहिर तौर पर किस तरीके के फर्जीवाड़ा कर ये आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट है, जो रियल डॉक्यूमेंट है वो सामने आए हैं, जो साफ तौर पर नवाब मलिक की पोल खोल रहे हैं। नवाब मलिक किस तरीके से बौखलाए हुए हैं ये लगातार उनके बयानों में झलक रहा है कि जब समीर वानखेड़े पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं तो वो बीजेपी को घेर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं पर एक के बाद आरोप लगा रहे हैं, तमाम ट्वीट उनकी तरफ से जो किए जा रहे हैं वो साफ तौर पर नवाब मलिक की छटपटाहट और उनकी बौखलाहट को बयां कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके की कार्रवाई ड्रग माफियाओं पर हुई है, जिस तरीके से इन नशेठियों पर शिकंजा कसा गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज ड्रग मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं इन नशेठियों के खिलाफ एक जो जन आंदोलन है उसकी शुरुआत की है, जिसका हिस्सा बीजेपी भी है। साफ तौर पर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर अगर ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं तो उनका समर्थन बीजेपी करती है, और यही वजह है कि अब नवाब मलिक जब समीर वानखेड़े को नहीं घेर पा रहे हैं तो बीजेपी
बीवी पर इस तरीके से आरोप लगा रही हैं। फिलहाल समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ाने के लिए नवाब मलिक हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जो वो अपना सकते हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में अगर आबकारी विभाग की ओर से ये नोटिस भेजा गया है, कारण बताओ नोटिस, तो इससे पहले ऐसी कोई छानबीन महाराष्ट्र में नहीं की गई, तो अब जाकर इतने दिन बाद जाकर आखिर ये नोटिस क्यों भेजा जा रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल करते हुए तमाम मामलों में हमने देखा है कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को परेशान किया है, फिर चाहे बात रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी का मामला रहा हो, जिसमें परमवीर सिंह जैसे अधिकारी का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने उन पर कार्रवाई की, उन्हें जेल में डाला गया, या फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का मामला हो, उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से अवैध तरीके से की गई थी और किस तरीके से वहां जो दोषी हैं उन्हें बचाया गया है और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हुई है, सब कुछ अपने वादे के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में किया है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी हमलावर है। फिलहाल महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करने का काम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, जो लगातार महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक नवाब मलिक के समीर वानखेड़े को घेरने की बात है, तो आपको बता दें नवाब मलिक इसलिए भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि समीर वानखेड़े ही वो ऑफिसर थे जिन्होंने नवाब मलिक के दामाद समीर खान पर कार्रवाई की थी। ड्रग मामले में उन्हें 8 महीने की जेल हुई थी और अब फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। तो ये कार्रवाई जो है ये समीर वानखेड़े की ओर से ही की गई थी और यही वजह है कि नवाब मलिक अब एक के बाद एक तमाम वो चीजें खोज रहे हैं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े और उनके परिवार को घेरा जा सके। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे सरकार जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस का गलत इस्तेमाल वो लगातार कर रही है, लेकिन उसके बाद अब अलग अलग विभागों में भी किस तरीके से समीर वानखेड़े पर कार्रवाई कर शिकंजा कसने की ये कोशिश की जा रही है, ये महाराष्ट्र के आबकारी विभाग के इस नोटिस ने ही कहीं ना कहीं तय कर दिया है कि किस तरीके से समीर वानखेड़े को फंसाने का षड्यंत्र अभी भी जारी है। तो आपको बता दें महाराष्ट्र एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट की ओर से ये जो नोटिस है ये समीर वानखेड़े को भेजा गया है, लेकिन इससे पहले एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए थे वो लगभग 19 नवंबर को लगाए थे। इतना लंबा वक्त बीत चुका है और अब जाकर ये नोटिस जो है ये महाराष्ट्र आबकारी विभाग की जो थाने यूनिट है उसकी ओर से समीर वानखेड़े को दिया गया है और जवाब इस पूरे मामले में मांगा गया है। तो सवाल लोग भी उठा रहे हैं कि फिर इतना वक्त क्यों लगा, क्या ये नोटिस इस वजह से भेजा गया है क्योंकि समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक अब कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन पर रोक लगाई है और उन्हें अब 4 महीने तक कोई टिप्पणी वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में समीर वानखेड़े और उनके परिवार को घेरने के लिए एक नया रास्ता जो है वो नवाब मलिक ने निकाला है, जिसके चलते उन्होंने महाराष्ट्र आबकारी विभाग का इस्तेमाल किया है। तो लगातार अब महाराष्ट्र की जनता इस तरीके से इस पूरे मामले पर भी सवाल उठा रही है। हालांकि कार्रवाई महाराष्ट्र आबकारी विभाग की ओर से की गई है, लेकिन सवालों के घेरे में नवाब मलिक आ चुके हैं कि इतना वक्त क्यों लगा और क्या ये कार्रवाई इसी वजह से हुई है क्योंकि नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक पर साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।